आज के टाइम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच में कि हमारे जो एग्जाम रह गए हैं उनका क्या होगा, कब होंगे। तो आज उसी बारे में बात करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है अभी तक निकल के उसी के बेस पर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवी क्लासेस में। चलिए बात करते हैं आज के क्लास में कि क्या चीज़ और क्या अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, बात करता हूँ मैं CBSE 10th 12th के जो एग्ज़ाम रह गए हैं। ऑलरेडी CBSE ने क्लियर कर दिया कि जो 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, वो कैंसिल हो चुके हैं। बट जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, जो मेन एग्ज़ाम है, उनका क्या होना है। तो CBSE का कहना ये है कि 3 मई 3 मई तक, ये जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ है, 3 मई तक का वेट कीजिए। अगर 3 मई तक स्थिति, जो कंडीशन है, अगर वो इम्प्रूव होती है और चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो एग्ज़ाम होगा, कंफर्म होगा। उसी टाइम पर इंफॉर्मेशन आएगी, एग्ज़ाम से बिफोर 10 डे आपको कंफर्म करा दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब और कौन सी डेट में होना है। यानी कि आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, रिवाइज करने का अच्छी तरीके से टाइम आपको मिल जाएगा। बट अगर उनका दूसरा कहना ये भी है कि अगर 3 मई तक सिचुएशन नहीं सुधरती है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती है, एक बड़ा अपडेट आ सकता है। अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि कैंसिल हो सकता है, चांसेस 50-50 हैं। कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी जब बन सकती है, जब अगर ये काफ़ी ज़्यादा खिंच जाए, यानी कि आपका पूरा मे भी निकल जाता है, तो मे भी चांसेस हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मे भी कैंसिल हो जाए। ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा ऑफिशियली कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये था डाउट 10th और 12th वालों के लिए। बात आती है यूनिवर्सिटीज़ का। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ 31 मई तक क्लोज है। उनका कहना ये है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 15 जून से स्टार्ट होंगे। 15 जून जब भी उनका अभी बोलना है कि 15 जून से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बात आती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए। देखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही है। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उनको प्रमोट किया जा सकता है, और ऐसा भी है कि मे भी एग्ज़ाम हो। तो ये अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए 50-50% वाली सिचुएशन है कि 50% मे भी प्रमोट करें और मे भी नॉट। तो देखा जाएगा इन फ्यूचर क्या, किस तरह की चीज़ें होती हैं। बट अभी अपना कन्फ्यूज़न दूर रखिए, पूरा अप्रैल वेट कीजिए। कंडीशन अगर अच्छी होती हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। 3 मई तक का वेट कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जितना अभी तक प्रिपेयर किया है पूरे साल, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अपडेट के लिए AV क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।